भारत की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बासुकी धाम और बाबा बैद्यनाथ झारखंड का दर्शन करने के बाद बिहार के एक छोटे से गांव में कुछ समय व्यतीत करेंगे। आज रामनवमी है और कल हम लोग सिलीगुड़ी के लिए निकले थे, लेकिन थोड़ा देर हो गया तो यहाँ वेस्ट बंगाल में एक गांव में रुक गए थे, अलीपुर द्वार करके। तो मंदिर है तो दर्शन कर लेते हैं। बासुकी धाम झारखंड के अंदर दर्शन के लिए आए हैं। यहाँ लोकल लोग जो होते हैं वो बोलते हैं फौजदारी बाबा, यहाँ तुरंत सुनवाई होती है ऐसा बोलते हैं। तो भगवान को जो भी आप मांगिए तुरंत उसका निकाल हो जाता है ऐसा बोलते हैं ये लोग। मंदिर जाने से पहले दोनों तरफ बहुत ही सारी दुकान। कल रामनवमी थी तो आज उसकी थोड़ी आफ्टर इफेक्ट दिखती हुई। एक मज़ेदार बात है कि जैसे लाल कलर तो ड्रेस है, यहाँ पर सब लोगों ने लाल कुछ ना कुछ पहना है या चोला ऊपर ओढ़ रखा है। यहाँ कुछ पिकल्स बिकते हुए, बासुकी धाम का रिकमेंडेशन हमको हमारे एक मित्र मनोज जो शिव भक्त है उन्होंने दिया था। वहाँ दर्शन के बाद हम लोग बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए निकल गए थे। देवधर बैद्यनाथ मंदिर के परिसर में पहुँचने के लिए हम लोग गाड़ी पार्क करके आगे निकल चुके हैं। बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के अंदर आज बहुत ही भीड़ है, श्रद्धालुओं जैसे सैलाब की तरह उमटे हुए। हम एक स्पेशल दर्शन की क्यू में खड़े होके अपना दर्शन कर लिए। यहाँ पर बाहर परिसर में अलग अलग पूजा, हमारे अच्छे दर्शन हो गए। टावर क्लॉक के पास हमने अच्छे से डोसा वगैरह खाया। अशोक धाम, ये लखीसराय बिहार के पहले डेडिकेटेड टू अशोका होगा शायद, लेकिन नाम अशोक धाम है। यहाँ पर महादेव का मंदिर है और पार्वती जी का भी मंदिर दिख रहा है, इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर। अशोक धाम के बाद हम जा पहुंचे फजलपुर। यहाँ हम एक मित्र के साथ रहने वाले हैं। ये भांग का पेड़ है जो पिता ना सर। हाँ अच्छा, वो गंदा है, अलग होता है भांग पीस कर। अच्छा, बिहार में बेगूसराय से करीब 12-13 किलोमीटर दूर एक गांव में आए हैं। हाँ 13 किलोमीटर दूर है। 13 किलोमीटर? हाँ 13 किलोमीटर। अच्छा, सत्येंद्र जो हमारे दोस्त हमारे साथ पढ़ा करते थे, नमस्कार भैया। नमस्कार, नमस्कार। तो बस उनके गांव में आए हैं और शाम को घूम। अरे बाप रे, ये पीपल का पेड़ देखिए, 100 साल एक कितना 100 साल 100 ईयर्स से ऊपर है। 100 साल के ऊपर वाला ये पीपल का पेड़ दिख ही रहा है, उसका ट्रंक देखिए कितना, ये जो बना हुआ मोटा है। हाँ ये मेरे पापा ने बनवाया है। अच्छा, ये अच्छा, ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है, ताकि गांव के लोगों। हाँ हाँ, सत्येंद्र के पिताजी जो है आईजी रह चुके हैं, ये रिटायर्ड है, अभी पटना में है। तो बाप शानदार, एकदम गजब। हमारे गांव में जो भी शादी होती है ना तो घर में एक बार प्रणाम करने आना पड़ता है, शादी से पहले आते हैं। अच्छा, मिट्टी का घोर कलश कहते हैं। हाँ हाँ, हम लोग चढ़ाने पाने हैं। बराबर, ओके। इसका ट्रंक का देखिए ब्रांचेज कहाँ कहाँ निकला हुआ है, ये देखिए पीपल का पूरा दूर दूर तक ट्रंक निकला हुआ है, वहाँ भी निकला हुआ है। फुलवारी कोई पार नहीं, उस तक है वो जो है ना, समझा, वहाँ तक है उसके वो
चार दीवाली के उधर। बच्चे देखिए प्रांगण में खेलते हुए बढ़िया से। और ये बगान हमारा ही है पूरा, ये बाउंड्री जो देख रहे हैं। अच्छा, ये तो आम का पेड़ है, ये लीची का है। लीची का है, क्या बात है। 10 एकड़ का प्लॉट है ये। अरे बढ़िया एकदम। लीची मिलेगा कि नहीं मिलेगा अभी? दो महीने बाद आते तो दो महीने बाद आने से लीची मिल जाता था। अरे बाप, पूरा लीची का बगान है देखिए हमारा, बहुत बड़ा है ये तो। बड़े बड़े सांप भी रहते हैं। अच्छा, बड़े बोले तो मतलब 20 फीट के ना। 20 फीट के यहाँ से वो पेड़ था ना, मोटे मोटे, मतलब आपके पास डंडा भी होगा तो आप मार नहीं पाएंगे उसको। अच्छा, ये कहनी बाबा का पेड़ घड़ी मुंडी होता है उतना सर है उसका, सांप का पूरा कला यहाँ से लेकर वो लीची पेड़ तो है। देख ले आदमी की, देख लेगा तो ऐसे पटाए रहेगा, फिर आदमी चल जाएगा तो जिस रास्ता से जाता है उस रास्ता। अच्छा, इसका हाँ इसका मनी है, बहुत पकड़ने का कोशिश किए मगर नहीं हो पा रहा है, उसके पास मनी है। हाँ अच्छा, भूस्कार भूस्कार हम लोग गल्ला। अच्छा, इसको भूस्कार बोलते हैं, क्या करता है उसको? भाई इसमें भी भूसा, वहाँ चाय पीने के लिए चलिएगा रख रहे हैं, ऐसे ही भूस्कार बनाए हुए हैं, उसमें भी भूसा रख रहे हैं, 3-4 वो जोन रखने हैं। ये जो बचा हुआ है ये किसका? मस्टर्ड का है। हाँ, ये मस्टर्ड, ये मस्टर्ड का है, गेहूँ का है, उतना बड़ा ढेरी मिलेगा। तो वो सबको इसके अंदर स्टोर करते हैं फिर गाय बाय को खिलाने के लिए। इतना बड़ा मिलेगा उसको लीजिएगा उधर। अच्छा, तो बुट्टा या मेज या कॉर्न जो भी बोलो, तो बस तैयार हो रहे हैं। एकदम घना सा खेत है। पुणे में कभी काम करते थे, सब छोड़ के यहाँ खेती बाड़ी कराने आ गए। तो बढ़िया वाला है। मेन तो फायदा ऑक्सीजन का हो रहा है इनको। अच्छी हवा, ऑक्सीजन, अच्छा दूध, बिल्कुल अच्छा मौसम, और ग्रामीण लोगों के लिए कुछ कर सके। बिल्कुल, सबको मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ यहाँ पे। तो ये गेहूँ की फसल ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, इसको अगर सुबह देखे होते तो बहुत मजा आता। तो गेहूँ का हार्वेस्ट हो चुका है और शायद उसका पैकिंग वैकिंग या कटिंग चल रहा है। तो मशीन जो है वो कटिंग करता है, गेहूँ निकाल के अलग, भूसा अलग, जैसे वहाँ से डाल दिया अंदर, और जो बचा हुआ है उस तरफ भूसा गिर रहा है। बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म उसके बाजू में ही लगा हुआ था, जहाँ पर पता नहीं हज़ारों की तादाद में ये थी। शाम का भोजन सतेंद्र के कज़िन के वहाँ था, तो उनके वहाँ हम बैठे थे। ये उनका घर है, ट्रेडिशनल 4-5 रूम है। सामने भाभी जी रोटियाँ बनाती हुई चूल्हे के ऊपर, जो बहुत अच्छे से सेक करके फुलाते थे। तो आज बहुत दिन के बाद एक घर का खाना और स्वादिष्ट भोजन मिलने वाला है। दोनों का रहे आलू सर। आलू है, आलू पसंद है ना? तो बस भोजन के लिए बैठे। दूसरे दिन नाश्ता करके हम अयोध्या के लिए निकल गए। ये है सिमरिया धाम, यहाँ पर आदि कुंभ का मेला लगता है, और कहते हैं कि हरिद्वार ऋषिकेश के बाद में अगर सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में गंगा अगर दिखती है तो ये यहाँ पर है। पटना के बाद बक्सर, और उसके बाद हमें मिला पूर्वांचल एक्सप्रेस जो लगभग 200 किलोमीटर था। तो महर्षि भाई ने गाड़ी चला ली और हम पीछे थोड़ा आराम करने लगे। सो ही गया था एक्चुअली। पूर्वांचल एक्सप्रेस में गति मर्यादा 100 की थी, तो हमने एग्जैक्ट 100 पे ही गाड़ी चलाया। 200 किलोमीटर के लिए लगभग 2 घंटे और 5 मिनट लगे थे। ये रास्ता से अगर आप अयोध्या जाते हो तो सुल्तानपुर इंटरचेंज पे आपको निकलना है, उसके बाद लगभग 50 या 60 किलोमीटर का जर्नी आपका बचा रहेगा। तो बस हम लगभग अयोध्या 1-1.5 घंटे के अंदर पहुँच गए थे। तो वहाँ मिलता हूँ। थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ अस।